69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर बने तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। वो लम्हा बेहद खास रहा जब वहीदा रहमान को सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में सितारों की महफिल सजी। पुष्पा फिर से नहीं झुका और बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने नाम कर लिया। रॉकेटरी जैसी फिल्म बनाकर साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन की कहानी को पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए आर माधवन की फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी अदाकारी से सभी को झकझोर देने वाली आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला और रणबीर कपूर उनके वीडियोस बनाते रहे, उनके लिए तालियां बजाते रहे। इस बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड शेयर्ड रहा, मिमी के लिए कृति सेनन को उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म में कृति ने एक सरोगेट मदर का किरदार निभाया था। मिमी के लिए ही अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। उनका पूरा परिवार इस खास लम्हे में उनके साथ रहा। सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के दिया गया एवरग्रीन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को, जिन्होंने 5 दशक तक हिंदी सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी है। सीआईडी से लेकर गाइड, प्यासा, कागज के फूल, नील कमल, साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन को धमकाने वाली वहीदा रहमान के लिए सिनेमा के दिग्गज कलाकार खड़े होकर तालियां बजाते रहे। ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। विकी कौशल की सरदार उधम और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह को भी नेशनल अवार्ड दिया, जिसे डायरेक्टर विष्णुवर्धन और प्रोड्यूसर करण जौहर ने लिया। आरआरआर को बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट पॉपुलर फिल्म और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। डायरेक्टर राजामौली जब स्टेज पर पहुंचे तो तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। एकेडमी अवार्ड विनर एमएम केरावानी ने हमसे एक्सक्लूसिव बात की। Is the homegrown and the biggest award. This is bigger than that. Bigger than that. Of course, because it is your homeland. Yes, sir. So it's very sweet to be recognized here. Not for the first time, second time. Yeah, second time. 25 years back I got one national award for Annamaya, and now getting this award for the second time, and I'm very happy. Best Music Director का shared national award rockstar DSP को film Pushpa The Rise के लिए मिला। उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यूज 24 से अपनी खुशी जाहिर की। बहुत 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 शुक्रिया आप सबको, इतना प्यार दिया है हम सबको और मुझे और मेरे म्यूजिक को। सो आज ये अवार्ड मिला, आई मीन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स दैट एनी इंडियन सिनी टेक्नीशियन और यू नो एनी आर्टिस्ट वुड बी ड्रीमिंग ऑफ। सो दिस वुड बिगेस्ट ड्रीम, सो दैट केम ट्रू thanks to the entire jury of 69th National Film Awards, because it's not an easy job to watch so many films, because so many people are so talented, they did wonderful work, and I think we are really blessed to be chosen by the jury to get this award. So I can only say that I have gratitude towards the jury and the National Awards and the government of India. Director Pan Nalin ki film Chhelo Show ko best Gujarati film ka national award mila और इसके चाइल्ड आर्टिस्ट भाविनी राबरी को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का खिताब दिया। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम एक साल से सारी दुनिया में घूम रहे हैं, फिल्म रिलीज भी हो रही है, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन एक होता है दिल में कि इंडिया में भी कुछ हो। तो ये नेशनल अवार्ड मीन्स वेरी बिग फॉर मी, माई टीम, माई कास्ट एंड क्रू, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट रिकॉग्निशन है यहाँ इंडिया में, नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार और खास करके भाविन रबारी को भी बेस्ट चाइल्ड एक्टर का भी। तो बाकी तो हम जो कर रहे हैं ब्लेसिंग है कि फिल्म बहुत बढ़िया चल रही है सारी दुनिया में। जब अवार्ड दे रही थी हाथों में, तो वो एहसास बताओ, वो फीलिंग की क्या है, तालियां बज रही थी, द बेस्ट नेशनल अवार्ड फॉर द चाइल्ड एक्टर भाविन। पहले तो ये बात, मैं उधर खड़ा था ना, 2-3 आ गए थे ना मेरे, तब से मेरे को धक धक हो रहा था क्या जाके बोलूं। अच्छा
फिर उधर गया, उन्होंने बोला अच्छा काम किया है, बहुत गर्व हो रहा है। हाँ। तब मेरे को चलो शांत हो गया, अभी धक-धक बंद हो गया। हाँ। तब कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म नेशनल इंटीग्रेशन और उसकी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिकल जर्नी पर लिखी किताब को बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा का नेशनल अवार्ड मिला। ये जो लेखक हैं इस किताब के, राजीव विजयकर जी, ये बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी समय से ये फिल्मों पे लिख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बहुत से उन कलाकारों से बात की है, बहुत से उन कलाकारों का इंटरव्यू लिया है, उन बहुत सारे म्यूजिशियंस का इंटरव्यू लिया है, लिरिसिस्ट का इंटरव्यू लिया है, सिंगर्स का इंटरव्यू लिया है जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया या जिनको एलपी ने ब्रेक दिया। तो फिर उसमें तो फिर एक अंदर की बात, अंदर की कहानी और उनका पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व एलपी का सामने आता है। सिनेमा के सबसे बड़े जश्न में देश की हर भाषा की बेस्ट फिल्मों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।